नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। इस समय हमारे साथ है गौतमपुर नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा। सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, 2023 अंतिम चरण की ओर है, आपने 2023 में कार्यभार संभाला है, क्या आपकी यहाँ पर उपलब्धियां रही हैं? देखिए, 2023 अभी समाप्ति की ओर है और बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क्स अभी अंतिम चरण पे पहुंचे हैं। पूरे साल भर काम करने के बाद और जो डिजायर्ड हम लोगों के रिजल्ट थे, उसमें से बहुत सारे हम लोगों ने अचीव कर लिया है। जैसे खासकर अगर हम लोग जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके संतृप्तिकरण की बात करें, तो लगभग हर योजना में हम लोगों ने अच्छा संतृप्तिकरण किया है। जेवर की तरफ जो हमारा लैंड एक्विजिशन का कार्य चल रहा था, वो भी अपने एज पर शेड्यूल चल रहा है। निर्माण कार्य जितने भी जनपद में हैं, सारे बहुत सारे पुराने कार्य थे, उनको भी निपटाया गया। अभी बीच में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वो भी काफ़ी डिग्रेड हो गया था, उसको भी सबके सहयोग से उसको कंट्रोल में किया गया। इसके अलावा जो भी समय समय पे चुनौतियाँ आईं, उसको बहुत ही पूरी टीम ने अच्छे से उसको हैंडल किया। कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स हुए, कई VVIP विजिट्स हुई, सबको सक्सेसफुली कराया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये साल बहुत ही अच्छा रहा और आगे आने वाले साल में भी बहुत सारे हम लोगों ने अपने लिए क्या प्राथमिकता रहने वाली है 2024? प्राथमिकताएं तो वही हैं जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, उन्हीं को हम लोग ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में हमारी पूरी टीम मेहनत से काम करेगी, ये हम लोग चाहते हैं। सर, नए वर्ष पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों के लिए? नया वर्ष सारे जनपद वासियों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम हमारी टीम यहाँ के लोगों की समस्याओं को कम कर सके, उनको एक ट्रांसपेरेंट और एक स्मूथ लाइफस्टाइल दे सके, जो भी समस्याएं आए उनको हम लोग सही से निस्तारण कर सके, यही। सर, पुनः आपको एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।